Today we are going to read chapter 60 some interesting facts. तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग जीके का चैप्टर 60 पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो नाउ टेक आउट योर जीके बुक एंड सी चैप्टर 60 पेज नंबर 64. सी नंबर 1, लियोनार्डो डा विंसी द फेमस आर्टिस्ट एंड डिजाइनर ड्यू हिज प्लान्स फॉर हेलीकॉप्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर फ्लाइंग मशीन्स वेयर एक्चुअली इन्वेंटेड. तो जो लियोनार्डो डा विंसी थे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान बनाई थी योजना कब, 100 साल पहले जब वे उड़ान मशीन इन्वेंट नहीं किए थे. तो उड़ान मशीन बनाने से पहले उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाने की योजना बनाई थी. ठीक है. सी नंबर 2, रॉबर्ट हचिंग्स गॉडवार्ड एंड अमेरिकन फिजिस्ट एंड इन्वेंटर इज नॉन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेट्री. तो जो रॉबर्ट हचिंग्स गॉडवार्ड थे वे एक अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और इन्वेंटर एंड आविष्कारक थे जो मॉडर्न रॉकेट्री के फादर के रूप में जाने जाते हैं. नंबर 3, द ड्रैगन इज अ सिंबल ऑफ गुड लक इन चाइना. जो ड्रैगन का सिंबल होता है चीन होता है, वह चाइना वालों के लिए क्या होता है, गुड लक माना जाता है. ठीक है, उन्हें उनके लिए वो एक अच्छा चिन्ह माना जाता है. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ड्रैगन्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून. तो जो चाइनीज है उनका ऐसा मानना है कि जो ड्रैगन है वो उनके लिए खुशियां लाता है और उनके लिए एक सौभाग्य होता है, गुड फॉर्चून होता है उनके लिए. ठीक है, तो जो ड्रैगन का साइन है वो किन के लिए गुड लक माना जाता है, चाइना यानी जो चाइनीज है उनके लिए यह गुड लक का चिन्ह माना जाता है. नंबर 4, द स्टोन फिश विच लिव ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट पोजीनियस फिश इन द वर्ल्ड. द स्टोन फिश विच लिव ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट पोजीनियस फिश इन द वर्ल्ड. जो स्टोन फिश कहाँ पाया जाता है, कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का तटीय इलाकों में पाया जाता है, जो बहुत ही जहरीला फिश है, इस विश्व का सबसे जहरीला जो फिश है हुआ है स्टोन फिश, जो ऑस्ट्रेलिया के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है. ठीक है. नंबर 5, ग्रेफाइट यूज एज अ लीड इन पेंसिल्स इज मेड ऑफ द एग्जैक्टली द सेम थिंग एज डायमंड्स, बोथ आर प्योर कार्बन विच जस्ट फॉर्म अंडर डिफरेंट प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स. तो जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज पेंसिल का लेड के रूप में किया जाता है और सेम थिंग जो डायमंड है उसका होता है, बट दोनों को अलग अलग प्रोसेस से तैयार किया जाता है, दोनों को अलग अलग प्रेशर्स और टेम्परेचर्स में तैयार किया जाता है. जैसे डायमंड और जो पेंसिल के लीड है उनको अलग अलग तरीकों से तैयार किया जाता है, बट दोनों सेम होते हैं. नंबर 6, द बॉल ऑन द टॉप ऑफ फ्लेक फॉल इज कॉल्ड द ट्रक. द बॉल ऑन द टॉप ऑफ ए फ्लेक फॉल इज कॉल्ड द ट्रक. जो फ्लेक फॉल के ऊपर में बॉल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे ट्रक के नाम से जाना जाता है. फ्लेक फॉल में फ्लेक फॉल के ऊपर जो बॉल होता है उसे ट्रक के नाम से जाना जाता है. तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 में हमने देखा जो लियोनार्डो डा विंसी जो कि बहुत ही जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर थे, उन्होंने उड़ान मशीनों के बनाने के 100 साल पहले एक हेलीकॉप्टर बनाने की योजना बनाई थी. तो नंबर 1 में हमने क्या देखा, लियोनार्डो डा विंसी जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर थे उन्होंने उड़ान मशीनों को बनाने से पहले 100 साल पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने की योजना बनाई थी. नंबर 2 में आप लोगों ने क्या देखा, जो रॉबर्ट हचिंग्स गॉडवार्ड है वे एक अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्हें मॉडर्न रॉकेट्री के फादर के नाम से जाना जाता है. वे मॉडर्न रॉकेट्री के क्या है, फादर के रूप में जाने जाते हैं. नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा, जो ड्रैगन है वह गुड लक है किसके लिए, चाइना के लिए, क्योंकि वहाँ के जो चाइनीज है उनका यह मानना है कि जो ड्रैगन है उनके लिए खुशियाँ लाती है, उनके लिए सौभाग्य लाता है. ठीक है, तो जो ड्रैगन का चिन्ह है जो सिंबल है वो तो किसका प्रतीक है, वह खुशियों का प्रतीक है, किन के लिए, चाइनीज के लिए, यानी चाइना में यह खुशियों का प्रतीक माना जाता है.
नंबर फोर में क्या है, जो स्टोन फिश है जो तटीय इलाके में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाया जाता है, प्रदेश में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे जहरीला फिश है, जो विश्व का क्या है, सबसे जहरीला यानी पॉइजनियस फिश इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे जहरीला फिश कौन सा है, स्टोन फिश, जो कहाँ पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। नंबर फाइव हमने क्या देखा, जो ग्रेफाइट यूज, जो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल के लीड के रूप में किया जाता है, जो किससे बना होता है, जो डायमंड से बना, सेम थिंग्स एज डायमंड, जिससे डायमंड है वैसे ये भी थिंग्स है, ये भी सामान है, बट बोथ आर प्योर कार्बन, दोनों ही जो जिससे कार्बन बन, जिससे आपका ग्रेफाइट बनता है और जिससे आपका डायमंड बनता है, दोनों में सेम, दोनों सेम है, दोनों प्योर कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन होता है, बट उनके बनाने की जो क्रियाएं होती है, उनके बनाने के जो प्रोसेस होते हैं, उनमें जो टेम्परेचर, जो प्रेशर जो होता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट दोनों ही प्योर कार्बन होते हैं। जो पेंसिल का लीड होता है या जो डायमंड होता है, दोनों प्योर कार्बन होते हैं, बट दोनों के बनाने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर में तैयार किया जाता है। लास्ट नंबर सिक्स में क्या था, द बॉल ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल इज कॉल्ड द ट्रक, जो फ्लैग पोल के ऊपर में बॉल रहता है उसे ट्रक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को मुझसे क्लास में पूछना है, और इसका वर्ड मीनिंग पर आंसर आप लोगों को मैं क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।